हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज का टॉपिक है कॉरिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। अगर आप भी इस तरीके से कॉरिकॉर्डिंग करना चाहते हैं एंड उसके बाद देख सकते हैं उस कट पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉरिकॉर्डिंग हो चुका देख सकते हैं। और यहाँ से आप कॉरिकॉर्डिंग सुन सकते हैं एंड देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, और यहाँ से कॉरिकॉर्डिंग सुन रहे तो आप इस पर क्लिक करेंगी तो इस पर कॉरिकॉर्डिंग नहीं सुना जाएगा। तो फॉरवर्ड एंड रिसेंट पर जाकर तो यहाँ से कॉरिकॉर्डिंग आप नहीं सुन सकते। तो कॉरिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपको सेम पे जाना होगा। एंड कॉरिकॉर्डिंग वैसे करते कैसे हैं वो बताएंगे फ्रेंड्स। मेरे पास है और रियलमी का फ़ोन है फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ नई वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डायल पैड ओपन करना है। एंड सॉरी फ्रेंड्स, आप डायल पैड ओपन कर लेंगे एंड इसके बाद आपको फॉरवर्ड रिसेंट पे क्लिक करते फ्रेंड्स आप उस पर कर लेंगे। और डायल जिसका नंबर आप डायल करते हैं या फिर कोई भी कॉल आता है आपकी तरफ से और कहीं और तरफ से तो फ्रेंड्स आगे पास कोई कॉल ही आता है या फिर आप किसी को कॉल करते हैं तो रिकॉर्डिंग ऑप्शन जरूर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट कर देंगे नहीं और आपका रिकॉर्डिंग होता रहेगा। और जब तक आप बात करेंगे उतने देर का रिकॉर्डिंग हो जाएगा आपका। एंड कट पर क्लिक कर देंगे तो आपका रिकॉर्डिंग हो चुका है। रिकॉर्डिंग सुनना हो तो फ्रेंड्स आप इस पर जाके सुनेंगे फाइल में जाकर। तो यहाँ देखेंगे फाइल कौन सा, फाइल में जाकेंगे जाएंगे और यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे। तो देख सकते हैं रिसीव वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग जो अभी आपने किया था। तो फ्रेंड्स तो इस प्रकार यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ऑटो रिकॉर्डिंग है। तो अगर कॉल रिकॉर्डिंग सुनना है तो फ्रेंड्स आपका जो है उसमें रिकॉर्डिंग में ही मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स तब तक के नमस्कार।